दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा प्रॉपर्टी कीमतों पर दबाव। दिल्ली एनसीआर में रियल स्टेट के अच्छे दिन फिलहाल नहीं लौटे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी बाजार नोटबंदी के बाद के हालात से उबर रहा है, लेकिन हालिया कानूनी बदलावों ने डिमांड और कीमतों पर दोहरा दबाव डाला है। आईटी सेक्टर में छंटनी की खबर ने बिल्डरों की बढ़ाई टेंशन। देश में बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने छंटनी की आशंका से देश के उन शहरों में रियल स्टेट कंपनियों की चिंता बढ़ गई है जिन्हें आईटी हब कहा जाता है। अब पुराने घर पर भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। आम धारणा है कि आपके पास अपना घर होने के कारण आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मकान है और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण आप घर का एक्सपेंशन करने के लिए लोन ले सकते हैं। जल्द खाली होगा सरकारी आवासों पर से अवैध कब्जा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी आवासों से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया को सरल तथा तेज बनाने और दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार के पास नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो अवैध माना जाएगा बिल्डरों के फ्लैट। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट 31 जुलाई तक सरकार के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं करने पर इन प्रोजेक्ट्स को अवैध निर्माण समझा जाएगा।